हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, इरफान खान की बांग्लादेशी फिल्म दू नो बेड ऑफ रोजेस ऑस्कर 2019 के लिए नॉमिनेटेड। इरफान खान इस समय कैंसर जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो कि उनको काफी ज्यादा राहत पहुँचाएगा। बता दें कि इरफान खान एक बांग्लादेशी फिल्म की वजह से चर्चा में हैं और इसका कारण है ऑस्कर 2019 में उसकी धमाकेदार एंट्री। बता दें कि इरफान खान के अभिनय ने एक बार फिर से देश का नाम ऊंचा कर दिया है और लोग इसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। और इस फिल्म का नाम है दू नो बेड ऑफ रोजेस और ये बांग्लादेशी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी बांग्लादेश के मशहूर लेखक और फिल्मकार हुमायूं अहमद के जीवन पर आधारित है, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बता दें कि इनकी मुख्य कहानी ये थी कि इन्होंने अपनी 27 साल पुरानी शादी को तोड़कर 33 साल छोटी अभिनेत्री से शादी कर ली थी। इस फिल्म को लेकर बांग्लादेश में काफी ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन फिल्म को बाद में रिलीज कर दिया गया। इसके विरोध के समय फिल्म मेकर्स ने यह ऐलान कर दिया था कि फिल्म में बायोपिक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी विरोध शांत नहीं हुआ। इस फिल्म को कई जगह प्रदर्शित भी किया गया, जिसमें शंघाई, मॉस्को, भूषण और कोलकाता जैसे फेस्टिवल शामिल हैं। इरफान एक बेहतरीन अभिनेता है और एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने काम किया है। फिलहाल वो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं और वो जल्द ही सबके सामने नजर आएंगे। तो हम सभी की यही दुआ है कि इरफान खान जल्दी से जल्दी ठीक होकर हिंदुस्तान वापस आएं और फिर से अपने अभिनय से लोगों को कायल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।